नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 100 हिंदी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। तो आपको पता होगा यूटीआई एक म्यूचुअल फंड्स कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एएमसी कंपनी है। दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता दूँ, अभी जो रिस्पॉन्स आया है एक महीने के अंदर वाला वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप आया था हैप्पीएस्ट माइंड का, उसके बाद आ गया है रूट मोबाइल का। ये दोनों में आप देखें तो 100% प्लस का आपको प्रॉफिट हुआ था, 100+। अभी जो इस सप्ताह यानी इस वीक में जो अभी क्लोज हुआ है, आज के डेट में आज क्लोज हुआ है एंजल ब्रोकिंग का। इसके पहले आपको एक कैमकल कंपनी का मिला होगा, कैमकॉन कैमकल का और कैम्स का मिला होगा, और आज जो क्लोज हुआ है एंजल ब्रोकिंग का, यानी एक दिन पहले हुआ था ये दोनों का और आज हुआ है एंजल ब्रोकिंग का दोनों में। बट इस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है वो कैमकॉन कैमकल्स में है। इसमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन से आपको कैमकॉन कैमकल्स के साथ पता होगा 150% है, यानी 150% है जो काफ़ी हाई है। यानी अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें आपकी लिस्टिंग की, आपको अलॉटमेंट होने की, तो आपको जो है 39/1 पे अलॉटमेंट होने के चांसेस रहते हैं, यानी 39 में से एक हैं जो आपको मिल सकते हैं। भगवान करे कि आपको मिल जाए, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं मिले। चलिए फटाफट आने वाले यानी अपकमिंग यूपीआई के बारे में हम बात करते हैं, जो आईपीओ आ रहे हैं यूटीआई का। सिंपली हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और 2002 में स्टार्ट हुई थी कंपनी। और कंपनी देख सकते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं प्रोवाइड्स करती हैं, और प्रॉफिट फोलियो मैनेजमेंट सर्विस इंस्टीट्यूशन साइलेंट हाई नेट ग्रोथ इंडिविजुअल लाइक एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल स्केल। हम यहाँ पे बात करें कंपनी की, तो कंपनी काफ़ी सारी आपको यहाँ पर रहती है, एनपीएस फंड हो गया और बहुत सारे फंड्स हैं जो आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। एनआरआई तो सारे फंड्स जो होते हैं ना ज़्यादातर प्रोवाइड कराती है। हम बात करें तो भारत के सातवें नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड्स कंपनी में से। और हम आगे बात करें कि कुछ फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। सिंपली 100% जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्रिसिल यूटीआई एएमसी द लार्जेस्ट एएमसी इन इंडिया टर्म्स ऑफ टोटल एयूम, 7th लार्जेस्ट एएमसी इन इंडिया इन टर्म ऑफ म्यूचुअल फंड क्वाम विथ। इनका जो लार्जेस्ट शेयर है एएमसी B30 सिटीज यानी 1542.3 बिलियन है। और हम यहाँ पे बात करें द मैनेजमेंट फीस की, उनकी जो मैनेजमेंट फीस है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे हम बात करें कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, 72% आप यहाँ पे देख सकते हैं, 72% 7% म्यूचुअल फंड से आते हैं। और यहाँ पे हम देखें यूटीआई एएमसी स्टेबिलिटी एंड द फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया हैज बीन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री 15 ईयर्स। दोस्तों ये पहली कंपनी है जो 15 ईयर्स स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, इनकी इतिहास जो है वो काफ़ी अच्छा है, मजबूत है, और रिकॉर्ड द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशंस। यूटीआई एएमसी हैज 11 मिलियन लाइव फोलियोज, इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा है, 12.8 है। हाँ मैनेजमेंट की हम बात करें तो इंडियन म्यूचुअल फंड हिस्ट्री है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे, यूटीआई एएमसी है नेशनल फुटप्रिंट विथ 163 यूटीआई फाइनेंशियल सेंटर्स, यानी हम यहाँ पे बात करें इनके सेंटर्स और स्टोर्स ब्रांचेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल में फुटप्रिंट विथ 163 यूटीआई फाइनेंशियल सेंटर, यानी पूरे भारत में 163 यूटीआई फाइनेंशियल सेंटर्स हैं और 263 यानी 273 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसाइटीज है एंड चीफ एजेंट्स हैं, और 33 यानी 33 अदर्स ऑफिशियल पॉइंट्स हैं, असिस्टेंट्स हैं।
UTIMC also has approximately 51,000 इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र, इनका जो है वो 51,000 हैं, इससे ज़्यादा ही हैं, 50,001+ हैं अप्रॉक्सीमेटली, आपने देख लिया 51,000 से प्लस में है। UTIMC फॉर सपोर्ट, यानी जिनका सपोर्ट स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर की हम बात करें, प्रमोटर्स तो है नहीं इनका, बट स्पॉन्सर्स की बात करें, इनका जो स्पॉन्सर्स है वो LIC है, और यहाँ पे SBI है, PNB है, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए मेच्योरिटी शेयर होल्डर, UTIMC ऑल्सो हैज ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट करने में ज़्यादातर फोकस रखते हैं। टू प्राइज रोर प्राइज इंटरनेशनल लिमिटेड हैज द मेजर स्टेक होल्डर्स विथ 26% स्टेक इन द कंपनी, इनका जो मेजर स्टेक होल्डर्स है वो 26% स्टेक द कंपनी है। यहाँ पे हम बात करें, एज ऑफ द September 30, 2019 UMC मैनेजर्स 173 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड सस्कीम, यानी 23 सितंबर 2019 को यानी पहले इन्होंने 178 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कंपोनेंट इक्विटी हाइब्रिड इनकम लिक्विड द मनी मार्केट फंड्स को मैनेज किया 30 सितंबर को। कंपनी का प्रमोटर्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, कंपनी की वेबसाइट पे ही अभी है, बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही कंपनी के प्रमोटर्स की, UTIMC इनकी प्रमोटर्स हैं नहीं, पहले हम समझ लेते हैं। UTIMC इज प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, डज नॉट हैव आइडेंटिफाइड प्रमोटर इन टर्म्स ऑफ SEBI, यानी SEBI का कहना है इनकी प्रमोटर्स नहीं रखना है आपको, क्योंकि ये प्रोफेशनली कंपनी है। हम कंपनी की, अब लास्ट में मेन पॉइंट्स इनकी हो जाती है, वो हो जाती है कंपनी की फाइनेंशियल की, यानी पिछले कुछ सालों में इनकी प्रॉफिट्स की हम बात करें तो हम उस रिकॉर्ड पे देख लेते हैं, जूम करके हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हम कंपनी की फाइनेंशियल पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं, और मिलियन में दिया हुआ है, तो हम आपको बता देते हैं आप करोड़ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली। चलिए हम चलते हैं सिंपली, हम सबसे पहले इनके देख लेते हैं, टैक्स भरने के बाद इनकी जो टोटल प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, हम यहाँ पे आ गए हैं 31 मार्च 2018, इनका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स भरने के बाद 4,550.91 मिलियन का था, और यहाँ पे हम देखें यानी 3,490.27 मिलियन का था जो इनका 31 मार्च 2019 को था, यानी प्रॉफिट दर साल दर गिर रहा है। और हम यहाँ पे भी देखें 2020 में ये भी ज़्यादा लो में आ गया है, देख लेते हैं 2,764.85 मिलियन से आ गए हैं, काफ़ी नीचे आ गए हैं, और प्रॉफिट इनका जो टैक्स भरने के वो गिरता जा रहा है दर साल। बट यहाँ पे हम देखें तो इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट इनका, बट मार्च से जून में जो 2020 में है 30 जून, उसमें इनका इंक्रीज हुआ है, काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, इनके 4 क्वार्टरली से ज़्यादा इन्होंने 1 क्वार्टरली में ही प्रॉफिट कमा लिए। और यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू भी इनका काफ़ी लो हो गिरता जा रहा है, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते इसलिए आप इनको पॉज करके देख सकते हैं, ये भी दर साल इसी तरह गिरता जा रहा है। और यहाँ पे हम टोटल एसेट्स की बात करें तो एसेट्स जो है इनका बढ़ता जा रहा है दर साल। यहाँ पे देखिए 29,000 था, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 31,000 और यहाँ पे 32,000 है, आप देख सकते हैं सारे में एसेट्स इनका बढ़ता जा रहा है।
हम आगे कुछ और जानकारी ले लेते हैं इनकी। सिंपली हम आ गए हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। इशू आप एक कितने शेयर्स कर रहे हैं हम उसके बारे में देख सकते हैं। इनका जो शेयर्स हैं और ये क्यों क्या करेंगे पैसे को इन्होंने लिखा नहीं है, बट यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए आप, शायद आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर आर टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड द सेल ऑफ अप टू 18,981 इक्विटी शेयर बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स। यानी इन्होंने खुद शेयर नहीं कर रहा, इनका जो शेयर होल्डर्स हैं SBI हैं, LIC हैं, PNB हैं, BOB है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब शेयर करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने IPO लाया है। यानी इनका जो शेयर टोटल होगा ये आप देख सकते हैं, इतना इक्विटी शेयर रहेगा 38,98,000, यहाँ पे 3,89,87,000 81 शेयर्स रहेंगे, यानी 3,89,87,081 शेयर्स रहेंगे। यहाँ पे हम और कुछ IPO डिटेल्स की बात करें, इनका जो लिस्टिंग डेट है वो सब कब आएंगे भाई, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले IPO की जो डेट है वो 29 सितंबर, यानी 29 सितंबर, यानी नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2020 के बीच में आप इसका बिड लगा सकते हैं। इशू टाइप की हम बात करें, बुक बिल्ड इशू IPO है। इशू साइज की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 2,159.88 करोड़ का IPO है। यहाँ पे 10 पर इक्विटी शेयर्स हैं। यहाँ पे हम बात करें IPO प्राइस की, तो IPO प्राइस जो है आप देख सकते हैं इनका 552 रुपये से लेकर 554 रुपये तक है। मार्केट लॉट, यानी एक लॉट में आपको 27 शेयर्स खरीदना, मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर 27 शेयर, यानी एक क्वांटिटी आपको खरीदना अनिवार्य है, नहीं खरीदेंगे तो फिर आप बिड नहीं लगा सकते। और लिस्टिंग एट BSE और NSE दोनों पे लिस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम बात करें लिस्ट होने की डेट की, कब लिस्ट होंगे, कब बिड्स लगेगा और कब अलॉटमेंट होगा, तो हम सिंपली देख लेते हैं UTI AMC IPO टेंटेटिव डेट टाइम टेबल। बिड्स लगाने की ओपन डेट, यानी ऑफर की ओपन डेट होगी 29 सितंबर और बिड्स क्लोज होगी 1 अक्टूबर को। यहाँ पे अलॉटमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 7 अक्टूबर को होगी। अगर अलॉटमेंट नहीं होती है आपको तो आपके रिफंड्स हैं वो 8 अक्टूबर के होगी। आप क्रेडिट ऑफ शेयर्स, अगर अलॉटमेंट हो जाती है तो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 9 अक्टूबर के जाएंगे। IPO शेयर्स लिस्टिंग की हम बात करें तो 12 अक्टूबर को ये लिस्ट हो जाएंगे NSE और BSE पे। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ IPO लॉट साइज की, तो लॉट साइज में आप देख सकते हैं मिनिमम 1 लॉट है और 27 शेयर्स हैं, जिसमें से कि आपको यहाँ पे 4,950 लगेंगे, यानी 14,950 आपको लगेंगे एक लॉट अप्लाई कर रहे हैं। मैक्सिमम 13 लॉट्स ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे बात कर लें UTI AMC IPO प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो इनका जो प्रे इशू शेयर होल्डिंग्स हैं वो 98.96% है। आप पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिया नहीं गया है। और UTI IPO शेयर से ऑफरेड की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं QIB के लिए 50% रहेगा और अच्छा, और NI के लिए और रिटेल के लिए 35%। आप देख सकते हैं टोटल्स की हम बात करें तो 3,89,87,081 शेयर्स रहेंगे, जिसमें से कि इसमें 35% रहेगा रिटेल के लिए और 35% रहेगा रिटेल के लिए और बाकी रहेगा 15% NI के लिए और QIB के लिए रहेगा 50%, यानी QIB के लिए सबसे ज़्यादा है और रिटेल के लिए बहुत कम है। और यहाँ पे हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको कैसा परफॉर्मेंस रहेगा कैसा नहीं रहेगा, आप इस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी फाइनेंशियल देखकर। और आगे इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स आते हैं तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। और मैं बता दूं, इसके पहले मैंने बता लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर इनसे बेहतर उनकी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर मैंने देखा था, आप वीडियो भी बनाया है, आप इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं।
हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूँगा, वहाँ से डालने के चांसेस कम ही रहता है क्योंकि मैं ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन यूज नहीं करता हूँ। डाल देंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे, बट मेरा जो कीबोर्ड है वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से हम डाल नहीं पा रहे हैं अच्छी तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों मैं बता दूं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और यहाँ पे हम बात करें, हमेशा आता रहता है, और हम मैंने यहाँ पे आईपीओ की हम बात करें, पहले आईपीओ की कैमकोन और कैम्स का, तो मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो लिस्टिंग होने के बाद मेरी यानी अलॉटमेंट हो जाएगी तो मैं बताऊंगा आपको मैं किस में इन्वेस्ट किया था। बट अभी अलॉटमेंट 28 तारीख को होगी तो अलॉटमेंट होने दीजिए, फिर मैं आपको लाइव तो अभी नहीं आ सकता क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, आप लोग सपोर्ट करिए तभी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तब फिर मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। वीडियो अपलोड करना मैं बंद कर दूँगा, लाइव आऊँगा तो लाइव में आपको ज़्यादा आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स हैं आप ज़्यादा डिटेल्स से जानकारी ले सकते हैं मेरे से। ओके चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।